अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ के एन एस से फ़ज़ा ज़ैनब। जैसा कि आपको पता है, 10वीं जमात के इम्तिहानात के नतज आ गए हैं। आपको बता दें, इस बार जो कश्मीरी स्टूडेंट्स ने जो अपने घर वालों का, अपने कश्मीर का नाम रोशन किया है, जैसा बता दें, पोजीशन होल्डर्स इसमें जो टॉपर्स है, इसमें 17 टॉपर्स रह चुके हैं जिनको 500 आउट ऑफ 500 आए हैं। वन ऑफ द टॉपर हमारे साथ है जिनका नाम रुतबा जावेद है। इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी सक्सेस के पीछे क्या राज रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रुतबा हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले तो शुक्रिया, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू फर्स्ट। सो रुतबा, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मैं कश्मीर हार्वर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट हबक नसीमबाग में पढ़ती थी। तो कैसा फील हुआ आपको जब आपने रिजल्ट देखा और उसमें देखा आपने 500 आफ्टर 500 आए हैं आपके? खुशी का तो पता नहीं, बहुत ज़्यादा खुश हुए। मतलब अनएक्सपेक्टेड था इतने, इस सिचुएशन में पढ़ के इतने मार्क्स आना, रियली इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। आई वॉज रियली शॉक्ड व्हेन आई सॉ दैट I achieved my target. It was really my target to achieve it, but I was not so much hopeful that I will get it. कहीं किसी सब्जेक्ट में आपको अनश्योर थे आपकी इसमें शायद मेरे मार्क्स घट सकते हैं? इट्स फॉर श्योर सोशल साइंस। अच्छा, सोशल साइंस में था। हाँ, तो देखिए रुतबा, सबसे बड़ी बात जो है, 2019 से ही अगर बात करेंगे तो सिचुएशंस काफ़ी बदलाव है सिचुएशंस में। चाहे हम आर्टिकल पोस्ट आर्टिकल की बात करें, सब कुछ बंद रहा, कॉलेज बंद रहे, उसके बाद स्कूल्स बंद रहे, ट्यूशन सेंटर्स बंद रहे, उसके बाद अब कोविड हुआ, कोविड में लॉकडाउन हुआ, सब कुछ बंद रहा। तो कैसे आपने प्रिपरेशंस की और कितना मुश्किल रहा? जी, ये इन्हीं 2 सालों की बात नहीं है, जब से पैदा हुए तब से यही सब देखा है। मतलब फर्स्ट में जब चढ़े तो पहले ही वो हट, मतलब बहुत ज़्यादा वो रगड़ो हुआ था। उसी के बाद फ्लड्स आए, 2016 का हड़ताल हुआ, फिर उसी के साथ 1920 भी जुड़ गया। फुल जो एजुकेशन हुआ था बच्चे को, खुद सेल्फ स्टडी करनी थी और सारा जो प्रेशर आ जाता था घर वालों पर आ जाता था। तो इस सक्सेस का सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? अपने स्कूल को, अपने पेरेंट्स को, किसको देना चाहेंगे? जो मेरी सक्सेस है वो पहले अल्लाह ताला नॉक कर दी है, उन्होंने ही मुझे अच्छी खुशी दी, और मेरे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का, स्कूल ट्यूशन, घर वालों का, सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। आई एम रियली थैंकफुल टू देम। तो क्या आप दिन रात पढ़ाई करते थे? क्या इसमें कोई आप टाइम टेबल बनाया था आपने? क्योंकि आमतौर बच्चे ये सोचते हैं शायद जो टॉपर्स होते हैं वो दिन रात पढ़ते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब दिन रात पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बस सिर्फ इतना होगा आप डल बन जाओगे, सिर्फ किताबी कीड़ा जिसे कहते हैं वो बन जाओगे। मेक अ टाइम टेबल फॉर श्योर, इट शुड कंटेन एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग अ पर्सन हैज़ टू डू, बिकॉज आपको देखो पढ़ना भी साथ साथ है, बाकी चीज़ें भी साथ साथ है, खेलना कूदना भी साथ साथ है। रिफ़्रेशमेंट बहुत ज़रूरी है, किताबों से रिफ़्रेशमेंट नहीं मिलती है। ये स्ट्रेस, जब आपको स्ट्रेस पढ़ाई पढ़ते जब है आप, और वो जब भी आप सेल्फ डिपेंडेंट रहते पढ़ने पे, तब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं, और उस स्ट्रेस को रिफ़्रेश करने के लिए आपको थोड़ा बहुत बाहर खेलना कूदना जो है, बाहर घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है सिर्फ टॉप पर जो दिन रात पढ़ते रहते, ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो भी इंसान है, उनको भी मतलब उनको भी थकावट होती है। और टॉपर सिर्फ एक दो बच्चे नहीं, सब टॉपर है, बट इट ऑल नीड्स कंसंट्रेशन। ऑलराइट, सो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं, जिन्होंने टारगेट कुछ और सोचा था, एक्सपेक्टेड कुछ और था और कुछ और ही हो गया, उनके मार्क्स कम आ गए, तो कहीं ना कहीं आपको पता है स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, इससे बच्चा जो है डिप्रेस हो जाता है। फैमिली का भी कहीं ना कहीं उसमें फिर अनसपोर्टिव हो जाना उनके लिए डिप्रेस क्रिएट करता है। तो उनके लिए, उन फैमिली मेम्बर्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए या उन बच्चों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए, ना आप तक है ना मुझ तक है कि उनको मार्क्स बराबर दिलाना। जब मुझे आए इतने मार्क्स, मैं भी सोचती थी मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे बराबर 500 होंगे। अब ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी आपको इतना देना, इसी से खुश रहे। और पेरेंट्स इस टाइम पे जब बच्चा डिप्रेस होता है, इतना नहीं है कि पेरेंट्स ही सोचते हैं कि कोई टारगेट रखा होता है बच्चों के लिए, बच्चे भी अपने लिए एक टारगेट सेट करते हैं और उसको अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा मेहनत नहीं करता, नहीं, बच्चा भी मेहनत करता है, उसका भी अपना होता है कि फ्रेंड ग्रुप में हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी, टीचर्स के सामने इंसल्ट हो जाएगी, वो पूरी मेहनत करता है, बाकी जितना वो कर सकता है ये उतना उसने किया, डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है इसमें।
रुतबा, एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर में या टीचिंग स्टाफ में या जिस जो तरीका है पढ़ाने का उसमें? क्योंकि देखिए, काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं, चाहे हम बारामूला की बात करें, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें 0% रिजल्ट आया है। सो आपको लगता है कहीं चेंजेस लाने की ज़रूरत है? टीचर्स स्टूडेंट्स दोनों पे डिपेंड करता है कि वो अपने टीचिंग सिस्टम को कैसे रखते हैं। टीचर्स को भी अपने काम मतलब पढ़ाने की तरफ जो है ना कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, बच्चा के हर एक बच्चे की तरफ देखना चाहिए कि कौन कैसा पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको उन पे फोकस करना है जो अच्छा पढ़ते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस उनको देना है, जो मतलब जो एवरेज स्टूडेंट्स बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हो उनकी तरफ देना है ध्यान। बाकी स्टूडेंट्स का इसमें ये रोल रहेगा कि उनको जो अपनी टीचर्स की नसीहतें होती है, जो बातें बोलते हैं, उनको ध्यान में रखें और अपने अपना एक टारगेट सेट करें और उसको अचीव करने के लिए फुल कोशिश करें। तो अब उनके लिए मैसेज, जो कि टॉपर्स बनना चाहते हैं, जो ऐसी ही सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, और किस तरीके से उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उनके लिए आप मैसेज? फुल कंसंट्रेशन दें अपना, जितना आपसे हो सके उतना करें, दिन रात पढ़ाई की तरफ ना करें। इतना नहीं है, दिन में एक अच्छा सा टाइम टेबल सेट करें जिसमें खेलना कूदना, पढ़ना, अच्छे से खाना पीना, फैमिली के साथ टाइम गुजारना। मेक इट श्योर दैट आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारें, ताकि वो आपकी, देखिए मेमोरीज एट द एंड मार्क्स डज नॉट मैटर। जो आपके डिजिट्स होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, ये सिर्फ डिजिट्स होते हैं, ये सिर्फ रिपोर्ट कार्ड सजाने के लिए होते हैं। मेमोरीज मैटर, मेमोरीज बनाइए, अच्छी खासी मेमोरीज बनाइए अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। डोंट मेक इट दैट स्टडी इज़ एवरीथिंग, नो, यू टैलेंट एंड नॉलेज, दीज टू थिंग्स मैटर, दीज टू थिंग्स मेक योर फ्यूचर, दीज टू थिंग्स डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर। तो आगे आप क्या कुछ नया करेंगे, आगे आपका एम क्या है? मैंने नॉन मेड सब्जेक्ट लिया, मैथ्स पढ़ना चाहती हूँ और आगे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही क्यों? पता नहीं, इसमें मुझे मतलब इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता था, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब भी मैं देखती थी मुझे अच्छा लगता था कि कंप्यूटर के साथ बैठना, बचपन से कंप्यूटर के साथ मैं अच्छे से मतलब कंप्यूटर चलाना आता था, मतलब बचपन से ही भाइयों ने सिखाया था कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर से मतलब बहुत टाइम स्पेंड करती थी इसके साथ कंप्यूटर, इवन स्टडीज़ भी मैं कंप्यूटर पर करती थी, जो भी करना होता था कंप्यूटर पर करती थी, तो कंप्यूटर के साथ बहुत ज़्यादा ही हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया रुतबा, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। जिस तरीके से आपने कहा है कि मेहनत मशक्क़त भी ज़रूरी है, स्मार्टली पढ़ाई करना ज़रूरी है, ये नहीं है कि दिन रात पढ़ाई करनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप प्रॉपर एक अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, अपने टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और ख़ासकर यहाँ उनकी बात करना चाहूँगी जो कि पेरेंट्स हैं या ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं, उनके लिए ये रिक्वेस्ट है और ये सजेशंस है कि अभी वो डिसहार्टन ना हो जाए, डिस्करेज ना हो जाए, अभी और भी बहुत कुछ आगे देखना है। अभी आप अपने गोल्स आगे सेट करके रखिए, अगर यहाँ कहीं कमी आई है तो आगे कोशिश करें आगे वो कमियाँ ना आए। ये रिपोर्ट पहुँचाने के लिए कैमरामैन खान मुदसर के साथ मैं फजा जैनब, क्या है श्रीनगर, कश्मीर। This video is sponsored by J&K Bank Limited.